दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम स्प्लिट एसी में जो आउटडोर यूनिट होता है उसका हम क्या करेंगे, फुल वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप एक एसी टेक्नीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तभी आपको जो स्प्लिट एसी होता है उसका आउटडोर वायरिंग करना आना चाहिए। तो आउटडोर यूनिट में मेन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि जो हमारा इनडोर यूनिट से आता है, एक टर्मिनल बॉक्स होता है, फिर एक कॉन्टैक्टर होता है, एक कंप्रेसर, कैपेसिटर, रिले और एक फैन मोटर। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं जो आउटडोर यूनिट में लगे होते हैं। तो अब हम इनकी वायरिंग करना सीखेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे जाता है, कौन सा वायर कंप्रेसर में जाता है, कैसे हम कैपेसिटर का वायरिंग करते हैं, रिले कैसे लगाते हैं, फैन मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। आउटडोर वायरिंग में सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर की वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर की वायरिंग करने के लिए आप यहां पर देखिए कि लिखा हुआ है इंडोर यूनिट। तो ये इंडोर यूनिट का एक टर्मिनल बॉक्स है जिससे सप्लाई आ रही है इंडोर यूनिट से। तो यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 3 L1 L2। तो दोस्तों जो हमारा ये L1 और L2 है यही मेन सप्लाई है, मतलब फेज न्यूट्रल है सिंगल फेज का। तो यहां से हम क्या करते हैं कि फेज ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि हम कॉन्टैक्टर के इनकमिंग में देते हैं। तो ये हमारा फेज हो गया, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया फेज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल ले लेंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल हो गया। अब फेज न्यूट्रल तो यहाँ आ गया दोस्तों, लेकिन ये पिक नहीं होगा क्योंकि इसको कॉइल वोल्टेज चाहिए सिंगल फेज का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा फेज है इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कॉइल वोल्टेज के लिए यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले फेज देंगे, इसमें फेज दे देंगे। अब न्यूट्रल दोस्तों कभी हम डायरेक्ट नहीं देंगे। अब न्यूट्रल क्या करेंगे कि हम जब यहाँ से जो तीसरा पॉइंट है 3 नंबर का, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देंगे। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा इनडोर यूनिट से आ रहा है। जब वो कमांड करेगा तभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो वहाँ से कमांड होगा तो यहाँ पे ये हमारा ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे सिंगल फेज मिलेगा और ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा और इसके बाद जब पिक होगा तो ये आउटपुट में सप्लाई हमको प्रोवाइड करेगा। अब जैसे कॉन्टैक्टर आउटपुट में सप्लाई देगा, ये सप्लाई हमारी कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पर फेज आएगा, ये जाता है सबसे पहले हमारा जो कंप्रेसर है उसके कॉमन पॉइंट में। तो ये कॉमन पॉइंट में चला गया और जो यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा दोस्तों ये हमारा जाएगा कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट में। ये देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर जो है यहाँ इसका कॉमन पॉइंट में जाएगा, ये यहाँ से कॉमन पॉइंट में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कैपेसिटर और कंप्रेसर की वायरिंग कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों जो कैपेसिटर में ये जो कॉमन आता है, कॉमन जो पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट को हम क्या करते हैं कि इसके क्या करते हैं कि रनिंग में ले जाके कनेक्ट करते हैं कंप्रेसर के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कॉमन जो पॉइंट है वो रनिंग में ले जाके कंप्रेसर के कनेक्ट कर देते हैं। और वहीं पे जो ये हमारा H लिखा हुआ है दोस्तों, ये हर्म कहते हैं। अब ये हर्म जो होता है ये कंप्रेसर के लिए होता है। तो इसको हम कहाँ कनेक्ट करते हैं वो देख लीजिए, इसको हम सीधे लेके जाएंगे दोस्तों कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हो गया दोस्तों, ये हमारा जो कैपेसिटर है उसके साथ में हम कैसे कंप्रेसर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फैन लिखा हुआ है, फैन तो F लिखा हुआ है, तो ये कैपेसिटर में वो फैन को जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको फैन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्रेसर का वायरिंग कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो ये जो फैन है दोस्तों इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, ये F लिखा हुआ है, तो फैन से हम फैन मोटर से कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम फैन मोटर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हाँ ये जाएगा फैन मोटर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, मान लीजिए इसको फेज एक मिल गया। अब यहाँ से चाहिए इसको न्यूट्रल। तो अब हम यहाँ से जो हमारा कॉन्टैक्टर से न्यूट्रल निकल के आया है दोस्तों, वहीं से हम क्या करेंगे कि इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं कि न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमको फेज और न्यूट्रल क्या हो गया,
कि फैन मोटर को मिल गया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के पिक होने पे ही हमारा फैन भी चलेगा। तो ये हो गया फैन का वायरिंग हो गया दोस्तों, और कैपेसिटर की वायरिंग हम फैन के साथ और कंप्रेसर के साथ कैसे करते हैं। अब हम रिले कैसे लगाते हैं दोस्तों वो जान लेते हैं। ये जो रिले है दोस्तों वो 220 वोल्टेज पे ऑपरेटेड है, तो इसको सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों कि सिंगल फेज सप्लाई ले लेते हैं। तो न्यूट्रल क्या होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं, तो यहाँ से चलिए हम न्यूट्रल इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा न्यूट्रल, तो दोस्तों ये न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। अब जो यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये कहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्तों देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ से जो हम इंडोर से जब हमारा कमांड आएगा तब भी हम क्या करेंगे, ये हमारा रिले वर्क करता है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो ये हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंडोर यूनिट का जो टीवी है, टर्मिनल बॉक्स है, वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज लेंगे, तो ये 220 वोल्ट इसको मिल जाएगा। अब ये जो एक पॉइंट बचा दोस्तों, ये है अर्थिंग का पॉइंट, तो यहाँ से हम अर्थिंग यूज करेंगे। तो अर्थिंग किसको किसको आपको देना है तो आप वो उसी हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि अर्थिंग इसको मोटर को भी प्रोवाइड करना है, मतलब तो मोटर में कभी करंट आ गया तो अर्थिंग इसको कनेक्ट कर देंगे, और वहीं पे अगर कंप्रेसर को आप अर्थिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर को भी अर्थ कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हम कंप्रेसर को अर्थिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए कि हमने इस वीडियो में क्या हुआ, बहुत ही आसानी से क्या कि कंप्रेसर की वायरिंग कैसे करेंगे, कैपेसिटर की वायरिंग, फैन, रिले और कॉन्ट्रैक्टर कैसे हमारा इसमें सारे चीज़ लगे होंगे और कैसे वायरिंग करेंगे ये जान लिए। तो दोस्तों इसमें बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि आप समझ गए होंगे कि एक कैपेसिटर कैसे लगाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के कंप्रेसर के साथ में, और इसी कैपेसिटर को, ये ड्यूल कैपेसिटर है तो ड्यूल कैपेसिटर में फ़ैन को कैसे चलाएंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग कैसे करेंगे, रिले कैसे लगाएंगे दोस्तों, ये सारे चीज़ें हमने बड़ी विस्तार से जान लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वायरिंग स्प्लिट एसी का आउटडोर वायरिंग बहुत ही अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है या अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।